अगर अपन लेके चले क्वेश्चंस को और अच्छे से लेके चले तो हम किस गली जा रहे हैं। तो आज आपको ये बात दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकल। तो सर ठीक है, तो हेडिंग डाल लो अगर अपन लेके चले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले तो फैक्टर्स का मतलब क्या खुद बताओ, 24 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। सर 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसका मतलब क्या हुआ। 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में। तो सर अगर हम आपसे बात करना चाहें कि अल्टीमेटली 24 के कितने फैक्टर्स हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने फैक्टर हो गए आपके पास, 8। तो सर अगर हम सिस्टमेटिक बात करें और अच्छे से बात करें तो आपको 24 के जबकि फैक्टर्स निकालने हैं तो आप पहले 24 को थोड़ा सा अगर अपन लिखे चले तो प्राइम फैक्टराइज कर ले। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 3। एंड देन 3 से करोगे तो कितना। तो 24 कैन बी इजीली रिटन एज 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो सर ये तो अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ 24 कैन बी इजीली रिटन एज, अगर मैं लेके चलू और अच्छे से लेके चलू तो 24 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गो फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सर यहाँ पे इसका रूल क्या होता है कि अगर 24 को आप लिख पा रहे हो 1 की पावर m इंटू कितना, बी की पावर n, तो m+1 इंटू n+1 आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स। सर इसका अर्थात क्या, मुझे बताओ अपने पास m कितना रहा, 3, और n कितना रहा, 1। तो 3+1 इंटू 1+1, तो सर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 4 इंटू 2, दैट इज व्हाट, अगर अपन लेके चले 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 8। तो इसको एक बार और चेक करते, मैंने बोला हाँ पहले आप खुद सोचो 24 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो अपन ने यहाँ पे निकाले 8, और सर अगर आपने ये 8 अलग अलग 24 के तो निकल गए, लेकिन लेट्स से कोई आपसे पूछता है कि 180 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, टोटल 180 के कितने फैक्टर्स हैं। सर उसके लिए आपको 180 को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। देन 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास, 45। देन 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। देन 3 से करोगे तो कितना आएगा, 5। एंड देन 5 से करोगे तो कितना आएगा, 1। नाउ कैन वी से 180 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो सर इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, अगर मैं इसको बोलूं एम, ये एन, ये मान लो पी, तो इसका मतलब होगा m+1 इंटू n+1 इंटू p+1। तो सर इसका मतलब 2+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1 वुड बी द नंबर ऑफ फैक्टर्स। सर ये अलग बात है, मतलब आप क्या बोला जाए, 3 इंटू 3 6 इंटू 2 के, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 18 फैक्टर बनेंगे 180 के। तो क्या सर 180 18 चीजों के टेबल में आता है। हाँ तो सोचो ना, 181 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 7 को छोड़ दे, 8 को छोड़ दे तो 9 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 11 को छोड़ दे 12 के टेबल में आता है, देन इसके बाद अगर हम बात करूँ 15 के टेबल में आता है, देन 18 खुद के टेबल में आता है, एंड देन उसके आगे 36 के टेबल में भी आता है। तो आप गिनोगे तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ 18 फैक्टर निकल जाएंगे, क्योंकि 180 फिर आपको कहीं ना कहीं 45 के टेबल में मिलेगा, 36 के टेबल में मिलेगा, 90 के टेबल में मिलेगा, 60 के टेबल में मिलेगा। तो सर क्या मजेदार बात है, मतलब मुझे तो अच्छी लगी।
एक बार देखो, समझो, फिर आगे बात करते। चलो तो सर, ऑड फैक्टर किसी भी नंबर के कैसे निकालना है? जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूं फाइंड द ऑड फैक्टर्स ऑफ 90, फाइंड ऑड ऑफ 90, तो सर अगर अपन सिस्टमेटिक लेके चले तो 2 से करेंगे, देन 45, देन 3 से करेंगे 15, देन 3 से करेंगे इट्स 5 एंड देन 1। सर 90 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर एंड 5 की पावर 1। जब आप ऑड फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हो तो सर कहीं ना कहीं ये बात समझनी पड़ेगी ऑड फैक्टर्स के केस में कि आपको फिर ऑड पेयर्स ही लेने। तो ऑड पेयर्स में कितना है 2 और कितना है 1, तो यहाँ पे जो नीचे आपके डिनोमिनेटर्स रहेंगे जिसके आप फैक्टर्स ले रहे हो तो वो कौन सा लेने हैं? ऑड, मतलब यहाँ पे 2 वाला पार्ट अपन इग्नोर कर देंगे। तो ऑड फैक्टर्स कैसे आ जाएंगे सर? तो सर ऑड फैक्टर्स वुड बी 2 + 1 इंटू वॉट 1 + 1, तो 2 + 1 is 3 एंड 3 × 2 दैट इज इक्वल टू वॉट 6। सर ऑड फैक्टर्स आपके कितने आ गए? 6। अभी सर आपसे कोई पूछेगा कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे तो ये मत बोलना 2 की पावर 1 + 1, नहीं। इवन फैक्टर्स का आपके पास फॉर्मूला है, इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑड फैक्टर्स। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? तो मतलब सुनने यार दोस्त, अगर अपन टोटल फैक्टर्स के ऊपर बात कर भी ले तो वो क्या है, 1 + 1, 2 + 1, फिर तुम्हारे पास क्या है, अगेन 1 + 1, मतलब 2 × 3, 6 × 2 दैट इज 12। गेटिंग इट? आपके टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 12। Yes. तो 12 में से 6 हटा देंगे तो आपके 6 क्या हो जाएंगे? इवन फैक्टर्स। 6 क्या हो जाएंगे? आपके इवन फैक्टर्स। तो सर ठीक है, ऑड फैक्टर समझ में आ गए, इवन फैक्टर समझ में आ गए। अगर यहां तक हो जाए तो चैट में क्यू टाइप। इन 3 क्वेश्चन के आपको नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर्स निकालने की कोशिश करनी अच्छा होगा अगर आप निकालेंगे तो सर ठीक है, अच्छी बात है। मैंने बोला हाँ बात तो खैर अच्छी है। अगर अपन आगे की बात करें कि अब आप क्या सिखा रहे हो, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या सम ऑफ ऑल डिविजर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिविजर्स, और आई कैन से सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल डिविजर्स और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो उसमें कोई भी, अगर मैं बोलूं कोई भी नेचुरल नंबर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस वन, या ए की पावर मान लेते, चलो ए की पावर एम प्लस वन ही मान लेते हैं ना, अगर वो खुल रहा है एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस वन इंटू बी की पावर एन प्लस वन इंटू सी की पावर पी प्लस वन इंटू डी की पावर क्यू प्लस वन, कुछ भी खुल रहा है। तो अगर आपको सम निकालना है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू और गिवन बाय ए की पावर, सॉरी ये एम प्लस वन नहीं, ए की पावर एम, सॉरी ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर पी और डी की पावर कितना क्यू, तो वैसा खुल रहा है। तो सम क्या होगा अगर अपन बात करें, तो सम होगा आपके पास ए की पावर पी प्लस वन माइनस वन इंटू बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस वन इंटू सी की पावर, या ए की पावर पी प्लस वन मतलब एम प्लस वन, यहाँ पे एन प्लस वन, सी की पावर पी प्लस वन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा आपके पास? डी की पावर कितना? डी की पावर क्यू प्लस वन माइनस वन दिस होल अपॉन ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन इंटू सी माइनस वन। सर मजा नहीं आया आपका, क्वेश्चन बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 270, तो
सर कैसे करेंगे? देख 270 को पहले लिख ऐसा, तो 270 पहले 2 से जाएगा, इट इज 135, देन इट वुड बी बाय 3, इट कम्स आउट टू बी 45, देन कम्स आउट 3, देन कम 15, देन 3, देन 5, देन 5, देन 1. तो सर कहीं ना कहीं आप 270 को लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1. अभी सर ऐसे में हम क्या करें, अगर हम बात करें तो सम कैसे निकलेगा? सम मतलब क्या? दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी. ए बी और सी. तो सर अगर हम लोग सिस्टमेटिक देखें तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो मैंने बोला देखो ना दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ए की पावर 1 प्लस 1, ये मतलब 2. 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 माइनस 1. ये भी सही है. तो सर अगर अपन अच्छे से देखें और सिस्टमेटिक देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 9 माइनस 1, 25, 3 की पावर 3 प्लस 1, सॉरी, तो शायद 81 माइनस 1, 25 माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 4. तो सर ये क्या आ गया? 3 इंटू 80 इंटू 24 अपॉन में कितना? शायद 1 10. तो 240, 720 इज द 7. व्हाट इज 720? पहली बात तो 720 का अर्थात ये है कि 270 के जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे. सर 270 के फैक्टर्स कितने निकलेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन में 270 के फैक्टर्स निकालने हो, 270 के क्या निकालने होते दोस्तों? फैक्टर्स निकालने होते तो बड़ा मजा आता कि 1 प्लस 1, ये देखो यहाँ पे 1 था ना, इंटू कितना? 3 प्लस 1 इंटू कितना? 5 प्लस 1, तो 2 इंटू 4, 8 इंटू 6, तो 2 इंटू 4 इंटू 6, तो कितना है तुम्हारे पास? 48 फैक्टर्स निकलते. उन सारे 48 फैक्टर्स का सम क्या है? 720. उन सारे 48 फैक्टर्स का सम क्या है? 720. अच्छे से करें, समझें, और डाउट हो तो फिर पूछें. चले क्या? अब अगर अपन अच्छे से बात करें और आराम से बात करें, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1520 एक्सेप्ट यूनिटी, मतलब एक्सेप्ट वन. आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको 1520 को पूरा प्रॉपर तरीके से क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज. तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? 760, देन 2 इट इज 380 आई सपोज, देन 2 इट इज 190, देन अगर अपन लेके चले तो फिर से 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 95, then 5, it would be what? 19, and then 19, it would be 1. तो कहीं ना कहीं अच्छे से और आराम से ये हो जाएगा 1520 is equal to 2 की पावर 4 into 5 की पावर 1 into 19 की पावर 1. तो देखो अब आपसे अगर हम आपसे पूछू ना मैं आपसे कि फैक्टर्स कितने निकले, सर देखो फैक्टर्स के लिए तो 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब वी सी द पावर्स. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज समवेयर अराउंड कितना? 20 आर द फैक्टर्स, ठीक है ना? फर्स्ट. सेकंड, अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑड फैक्टर्स कितने निकलेंगे, तो आई विल गिव यू, दिस इज ऑड पावर्स, सो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज समथिंग इज इक्वल टू 4. If someone asks me कि even factors कितने मिलेंगे, I would say 20 minus 4 कर लो, 16 is the even factors. Now, if someone asks me कि अगर आपसे बात करूं कि sum of all factors कितना होगा, sum of all factors कितना, sum of all factors कितना होगा, तो सर आप कुछ ना कुछ ऐसा कहना चाहते हैं क्या? 2 की power 4 plus 1 minus 1, then 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, then 19 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, this whole upon में 2 माइनस 1,
5 माइनस 1 19 माइनस 1 तो कहीं ना कहीं 2 की पावर 5 32 32 माइनस 1 इज 31 5 का स्क्वायर इज 25 25 माइनस 1 इज 24 19 का स्क्वायर इज 361 361 माइनस 1 इज 360 दिस होल अपॉन में 1 इनटू 4 इनटू 80 दिस इज 1s are 20s are 1s are 5s are आई सपोज शायद 120 इनटू 31 120 इनटू 31 चेक कर लो कितना आ रहा है 3720 माइनस उन्होंने बोला एक्सेप्ट यूनिट तो शायद इसका आंसर आना चाहिए कहीं ना कहीं 3719 दिस इज द करेक्ट सर क्या ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल के होते हैं मैंने बोला ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं चेक करो क्या ये चीज समझ में आई अभी देखो इसी में एक और वैरायटी मेरे पास आपको प्रस्तुत करने के लिए ऐसी है कि अ नंबर इफ एन इज गिवन टू की पावर एम इंटू थ्री की पावर एन एंड सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर is 120 then m and n can be m and n can be option bhi de raha hu agar leke chale to 2,3 3,1 4,1 3,2 check karo awesome. चले अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर समझे तो सर देखो सम ऑफ फैक्टर्स होना चाहिए 2 की पावर एम प्लस 1 माइनस 1 3 की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में आना चाहिए कहीं ना कहीं कितना अगर मैं लेके चलू तो इट वुड बी 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 124 अभी अगर सर हम आपसे बात करें या सिस्टमेटिक बात करें तो हम क्या चल पाएंगे मेरे को लगता है कि 2 की पावर m प्लस 1 माइनस 1 3 की पावर m प्लस 1 माइनस 1 1 और इंटू 2 ये 1 क्या हो गया इंटू कितना 2 ये चला जाएगा उधर तो ये आ जाएगा आपके पास 248 ये कितना आ गया आपके पास 248 अब आपको यहां पे ना नॉकआउट करना पड़ेगा ये n है तो यहाँ पे आपको नॉकआउट करना पड़ेगा कहाँ पे 248 है यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द ऑप्शन अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 2 प्लस 1 कितना 2 की पावर 3 माइनस 1 और फिर आप 3 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 तो मतलब एक बार चेक करें तो 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 80 आई डोंट थिंक इट इज 248 तो सर ये तो नहीं हो सकता सर ऑप्शन देखते हैं कौन से वाले पे जाके देखें 2,3 नहीं है तो शायद 3,1 भी हो सकता है 3,2 भी हो सकता है सर 248 प्लस चेक कर लो
क्या इसके अंदर इवन फैक्टर आ रहा है क्या? नहीं तो ऑप्शंस के अलावा इसको कोई करने का वो तरीका नहीं है। मेरे को पता नहीं क्यों 3.2 पे चेक करने की इच्छा हो रही। तो 2 की पावर इस बार 3+1 -1 2 की पावर 2+1 -1 तो ये 16 -1 इज ओ 15। 15 और इसका तो मेरे ख्याल से कोई रिश्ता ही नहीं। 9 -1 इज 8 नहीं हो पाएगा। लेट से 3.1 पर चेक करते हैं। 2 की पावर 3+1 -1 और अगेन शायद 15 आ जाएगा तो सर नहीं हो पाएगा। तो सर आप चेक करो ना फिर 4.1 पर चेक करें क्या। 4+1 -1 और 3 की पावर 1+1 -1। तो अगर सर अपन लेके चले और अच्छे से बात करें तो 2 की पावर 5 32 -1 इज 31 इंटू 3 के 9 इंटू 8। आई थिंक 31 इंटू 8 इज 248। इंडीड अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व 4 कॉमा। अभी सर अगर हम आपसे आगे बात करें कि अपन ने क्या ऑप्शंस चेक करें। मैंने बोला हाँ ये अपन ने क्या करें ऑप्शंस। व्हाट नेक्स्ट वी हैव। अभी देखो ना बड़ा मजा आएगा एक क्वेश्चन को समझ के कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 72। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 72। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट एरियाज इट कैन है। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट एरियाज इट कैन है क्वेश्चन है। सर देखो पेरीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू, अगर हम बात करूं L+B। ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्वेश्चन में रेक्टेंगल है ध्यान रखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 72। अभी सर देखो 2 इंटू L+B इज इक्वल टू कितना 72। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि चल लेंथ प्लस ब्रेथ तो हर सर बोले कितने अलग अलग एरिया उसके हो सकते हैं। तो सर कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा 36 के फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे तो हो सकते हैं। तो सर अगर 36 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और वो भी ऐसे फैक्टर्स, अगर अपन बात करें तो अगर अपन 36 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो पहले चेक करो कितना आएगा। 2 18 2 आपके पास कितना आ गया 9। 9, फिर आपके पास शायद 3, देन 3, देन 3 एंड देन 1। तो अगर अपन लेके चले 36 के हिसाब से तो कितने फैक्टर्स आएंगे इसके। अगर अपन लेके चले तो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, मतलब 2+1 इंटू 2+1। तो एक छोटी सी यार गलती है दोस्तों, क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। यहाँ पे पेरीमीटर की जगह थोड़ा सा लिख लो एरिया, सॉरी क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 72। हाउ मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स इट कैन। सर अगर ऐसे बात करें आपसे तो 72 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करो क्योंकि एल इंटू बी कितना है आपके पास 72। तो 2 36 देन 2 18 देन 2 9 देन 3 देन 3 एंड देन 1। सर कहीं ना कहीं 72 को लिखने का तरीके हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं इसके। सर नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं 3+1 इंटू 2+1, मतलब 4 इंटू 3 इज 12। तो सर 72 को लिखने के 12 तरीके हो सकते। तो अगर 72 को लिखने के 12 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी 1 इंटू 72। हाँ सर अच्छी बात है। इट कैन बी 2 इंटू 36, ये भी अच्छी बात है।
तो इस कैन बी थ्री इंटू कितना 24, इट कैन बी फोर इंटू अगर अपन बात करें तो कितना है 24 × 18, तो सर ऐसे कुल मिला कितने तरीके बन जाएंगे। सर 5 × तो नहीं लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं इसके, ये पॉइंट में अगर नहीं है तो, और क्या लिख सकते हैं सर इसको, 6 × 12 भी लिख सकते हैं, 8 × 9 भी लिख सकते हैं, वैसा वैसा 9 × 8 भी लिख सकते हैं अपन। तो अगर अपन बात करें तो सर ऐसे 6 हैं, और तो मेरे ख्याल से अगर आप चेक करोगे तो ऐसा तो कुछ और, 24 × 3 इसको डबल कर लो, उल्टा कर लोगे तो सर ये जो 12 फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स ऐसे हैं कि 172 यहाँ पे 6 लिख लिए और फिर इसी के उल्टे 12 × 1 = 32 तो इसके पेरीमीटर कितने बन सकते, तो इसका आंसर है पेरीमीटर इसके 6 बन सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आप 3 × 24 करो या 24 × 3 करो, पेरीमीटर तो एक ही आएगा। आप 2 × 36 करोगे, 36 × 2 करोगे, तो जब आप 2 × L + B में लगाओगे तो आपका सिर्फ एल और बी चेंज होगा, बट पेरीमीटर तो कितना आएंगे 6। किसी रेक्टेंगल का एरिया 72 है तो ये नहीं पूछ रहे कि पेरीमीटर निकाल, वो पूछ रहे कितने प्रकार के इसके पेरीमीटर बन सकते, तो ये अपने आप में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार चेक करो अच्छे से, डाउट आए तो पूछो।